Hello students, welcome to Digimento Education. The topic that we are going to do today is your future perfect continuous tense. So, the future perfect continuous tense, हम जानते हैं कि perfect continuous होता है जब हम बात करते हैं. कोई काम शुरू हुआ, कुछ समय तक उसके चलने की बात हो रही है. Usually हम future के बारे में इतना sure नहीं हो सकते कि वो कब तक होगा, कब तक चलेगा या चलता रहेगा. लेकिन फिर भी हम एक imagine करते हैं. इस कारण से जो मैंने आपको कहा कि हम sure नहीं हो सकते कब तक use होगा, तो कई बार कई लोग कहते हैं कि हम इस tense को practically use नहीं कर सकते. And that's true to some extent. हम इस tense को बहुत ज़्यादा practically use नहीं कर सकते because of its condition. जैसे कि हमने कहा कि कुछ काम शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है, मैं मान सकती हूँ, शाम तक चलेगा, मैं मान सकती हूँ, लेकिन फ्यूचर में कितने समय तक चलेगा हम प्रैक्टिकली नहीं कह सकते. वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट. लेकिन फिर भी हम लोग इस टेंस को पढ़ते हैं और पढ़ते आए हैं, तो हम भी पढ़ने वाले हैं, विच इज़ योर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो देखते हैं हम इसे कैसे यूज़ करेंगे. अब मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि नवंबर तक मैं इस कंपनी में मुझे काम करते 5 साल हो चुके होंगे. सो तब तक मुझे 5 साल हो चुके होंगे, कब तक? मार्च तक या मई तक या जून तक, जब भी आप सोचना चाहते हैं. सो इफ़ आई से दैट इन मार्च आई विल हैव बीन working in this company for 5 years. मतलब मार्च तक मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो चुके होंगे. अभी अगर मैं बात कहूँ तो अभी कुछ समय है, लेकिन जब तक मार्च आएगा तब तक 5 साल हो चुके होंगे. राइट. सो इस तरह से हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं कि शाम तक इतनी बारिश हो रही होगी. राइट. तो हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, बट बिकॉज ऑफ दिस वेरी लिमिटेड कंडीशन हम इस सेंटेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. प्लीज़ कम अगैन, आई मीन लिसन टू इट अगैन, दैट वी डोंट यूज़ दिस सेंटेंस वेरी ऑफन in either writing or in case of speaking. So be very careful about this sentence. चलिए अब हम इसके sentence structure यानी कि formula की बात करते हैं कि इसका formula क्या होता है. So let's look into the sentence structure. सबसे पहले subject है, फिर हमारा helping verb है will, उसके बाद perfect का helping verb है हमारा have, and then कॉन्टीन्यूस का हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा वर्ब विद ing और v4 फॉर्म एज मैनी पीपल से, एंड योर ऑब्जेक्ट. यहाँ पर बीच में हम परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूस टेंस को जोड़ने के लिए बीन लगाएंगे. ये हमने आपको पहले भी बताया था कि बीन का यहाँ पर खुद का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक जॉइनर, एक एडेसिव की तरह काम करता है. जैसा हमने बोला था आपको कि कभी भी आप दो चीज़ें जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम हमेशा एक टेंस को यूज़ या किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, उसी तरह यहाँ पर हम परफेक्ट को और कंटिन्यूस टेंस को जोड़ने के लिए बीन को यूज़ कर रहे हैं. इन दिस सेंटेंस इसका कोई मतलब नहीं है. राइट. सो द नेगेटिव विल बी सब्जेक्ट विल नॉट हैव. Then we have is been, ing form and your object. अब इसके आगे आप चाहें तो for या since लगा कर बता भी सकते हैं कि कितने तक समय तक वो काम होता रहेगा. ना लगाना चाहें then we can make draw the sentences like that also. In case of your interrogative sentence, we have is will, subject, have, been, ing form with your object. Right. अब इसके कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करके देखते हैं. सो लेट्स प्रैक्टिस द सेंटेंस. इफ आई से गोविंद विल हैव बीन डेटिंग सोनिया
for 5 months, right? So Govind जो है वो 5 महीने से उसको डेट करता आ रहा होगा. उसके फ्रेंडशिप है सो वो सोनिया को डेट कर रहा है. सो गोविंद विल हैव बीन डेटिंग सोनिया फॉर 5 months. सो इसका नेगेटिव क्या होगा? गोविंद वोंट हैव बीन या डेटिंग सोनिया फॉर 5 months. वो 5 महीने से सोनिया को डेट नहीं करता आ रहा होगा. और इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? विल गोविंद हैव बीन विद डेटिंग सोनिया फॉर 5 months, राइट? क्या गोविंद सोनिया को 5 महीने से डेट करता आ रहा होगा? सो इस तरह से आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म के अंदर. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एंड देन वी विल डू सम एक्सरसाइजेस. So students, now let's do some exercise and some examples of your future perfect continuous tense. अब हम कुछ future perfect continuous tense के examples और कुछ exercises करते हैं. जैसे अगर हम कहें, the first one says, in November, I will have been working in this company for 3 years. November में मैं इस company में 3 सालों से काम करती आ रही होंगी. जैसा कि हमने देखा था पहले कंडीशंस में या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में, हम मेनली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं जब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम इमेजिन करते हैं कि इस समय तक ऐसा हो रहा होगा, राइट? तो जैसा कि एग्जांपल कहता है कि नवंबर में, इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 ईयर्स, मतलब नवंबर तक मैं इस कंपनी में 3 साल तक काम करती, 3 साल से काम करती आ रही होंगी. इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 ईयर्स. अगर मुझे इसको नेगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा? आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी. और अगर मैं सवाल करूं कि क्या मैं नवंबर तक इस कंपनी में 3 साल से काम करती आ रही होंगी, सो इन नवंबर विल आई हैव बीन वर्किंग, जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है, हमारा ये हमारा सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, राइट? सो नेक्स्ट सेंटेंस सेज, विल यू हैव बीन लविंग हर फॉर 5 ईयर्स, क्या तुम उसे 5 साल से प्यार करते आ रहे होगे? सो ये एक हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है. सो अगर हमें इसे एक पॉजिटिव सेंटेंस में बनाना है तो क्या होगा? यू विल हैव बीन लविंग हर फॉर 5 ईयर्स, तुम उसे 5 साल से प्यार करते आ रहे ओके. एंड नेगेटिव क्या होगा? यू वोंट हैव बीन, यहाँ पे आएगा हमारा नॉट. यू विल नॉट मीन्स वोंट हैव बीन लविंग हर फॉर 5 ईयर्स, तुम उसे 5 साल से प्यार करते हुए नहीं आ रहे होगे, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज, द कंपनी विल नॉट हैव बीन एडवर्टाइजिंग फॉर द मैनेजर पोस्ट फॉर 3 ईयर्स. अब मान लीजिए कि कंपनी के अंदर कोई मैनेजर की वैकेंसी है, लेकिन कंपनी उसके बारे में पिछले 3 महीने से कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं देती आ रही है. सो क्या होगा? द कंपनी विल नॉट हैव बीन एडवर्टाइजिंग फॉर द मैनेजर पोस्ट फॉर 3 मंथ्स. क्योंकि ये नॉट है, दैट मीन्स दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा? द कंपनी विल हैव बीन एडवर्टाइजिंग फॉर द मैनेजर पोस्ट फॉर 3 मंथ्स. 3 महीने से वो एडवर्टाइज करती आ रही होगी. एंड क्वेश्चन क्या होगा? विल द कंपनी हैव बीन एडवर्टाइजिंग फॉर द मैनेजर पोस्ट फॉर 3 मंथ्स. द नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सीमा कंप्यूटर पे काम कर रही है, शी इज प्लेइंग समथिंग और मे बी वर्किंग समथिंग. सो सीमा विल हैव बीन यूजिंग माई कंप्यूटर फॉर 6 मंथ्स. 6 महीने से सीमा मेरा कंप्यूटर यूज करती आ रही होगी. शी डजंट हैव अ कंप्यूटर ऑफ हर ओन, लेकिन वो मेरा यूज कर रही है. सो सीमा विल हैव बीन यूजिंग माई कंप्यूटर फॉर 6 मंथ्स.
So, iska negative sentence kya hoga? Seema won't have been using my computer for 6 months. Wo 6 mahine tak mera computer istemal nahi kar rahi hogi. Ya agar interrogative hoga to kya hoga? Will Seema have been using my computer for 6 months? The next example says, when Govind turns 30, jab wo 30 saal ka hoga, he will have been playing the piano for 10 years. Tab wo 10 saal se piano bajata aa raha hoga. That means wo 20 years se usne seekhna shuru kiya, 10 years tak usne seekha aur ab wo 30 years ka hone wala hai. So when Govind turns 30, he will have been playing the piano for 10 years. Negative kya hoga? He will not have been playing the piano. Yes, you're right. Correct. Please try to do that so that you can improve yourself. The next example says, he will not have been running the business, his business since April. Wo April se apna business run nahi kar raha hoga. So it is a negative sentence, right? So, iska ek positive sentence kya hoga? He will have been running his business since April. Wo April se apna business run kar raha hoga. Aur iska interrogative kya hoga? Will he have been running his business since April? Kya wo April se apna business run kar raha hoga? So, now let's look into the exercise. Ab hum kuch exercise karte hain. प्रैक्टिस करते हैं अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म को यूज करने की. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, राइट. अब हम यहां पर जो वर्ब दे रखा है उसको हम अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म में यूज करने की कोशिश करते हैं, राइट. So, here, if I say the first is I dash work, so I will be tired. मैं काम करती हो रही हूँ, आ रही होंगी, so मैं थक जाऊंगी. So, I will have been working. मैं काम करती आ रही होंगी, so I will be tired. इसलिए मैं थक चुकी होंगी. Next है, she play tennis, so she will be hungry. वो टेनिस खेलती आ रही होगी इसलिए वो हंग्री होगी, उसे भूख लग चुकी होगी. सो शी विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस सो शी विल बी हंग्री, इसलिए वो हंग्री होगी. नेक्स्ट सेंटेंस सेज वी डैश वॉक ऑल डे सो वी विल वांट टू रिलैक्स इन द इवनिंग. हम पूरा दिन चलते आ रहे होंगे इसलिए हम रिलैक्स करना चाहेंगे. सो वी विल हैव बीन वॉकिंग ऑल डे सो वी विल वांट टू रिलैक्स इन द इवनिंग, राइट. द नेक्स्ट सेंटेंस सेज ही कुक सो द किचन विल बी वार्म. सो उसने खाना बना रहा होगा, काफी समय से बनाता आ रहा होगा इसलिए किचन जो है वो भी गरम है. सो ही विल हैव बीन कुकिंग सो द किचन विल बी वार्म, इसलिए जो किचन है वो वार्म होगा, गरम होगा. अब जानते हैं कि कोई खाना बनाए तो निकले तो कुछ समय तक वो किचन गरम रहता है. सो वो भी खाना बनाता रहा होगा या बनाता आ रहा होगा इसलिए वो किचन गरम. The next says they travel, so they will want to go to bed early. So वो travel करते आ रहे होंगे इसलिए अब वो आराम करना चाहेंगे, right? So क्या होगा हमारा? They will have been, right? They will have been traveling. So they will want to go to bed early. ट्रैवल करते आ रहे होंगे इसलिए वो बहुत थक चुके होंगे, इसलिए वो आराम करना चाहते हैं,
इसलिए वो बेल्टी पे जल्दी सोना चाहेंगे. I work in this company for 20 years when I retire. जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं इस कंपनी में 20 साल तक काम कर चुका होऊंगा या करता आ रहा होऊंगा. I will have been working in this company for 20 years when I retire. जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं इस कंपनी में 20 साल तक काम करता आ रहा होगा. She dash see her boyfriend for 3 years when they get married. वो अपने बॉयफ्रेंड से 3 साल से मिलती आ रही होगी जब उसकी शादी होगी. So she will have been seeing or meeting or dating her boyfriend for 3 years when they get married. We dash live here for 10 years next month. अगले महीने हमें यहाँ पर इस जगह पर रहते हुए 10 साल हो जाएंगे. So we will have been, what is it, living here for 10 years next month. Next sentence says he study English for 3 years when he takes the exam. जब वो इतना एग्जाम देगा तब तक वो 3 साल तक अपना इंग्लिश पढ़ता आ रहा होगा. So he will have been studying English. He will have been studying English for 3 years when he takes the exam. जब वो अपना एग्जाम देगा तब तक वो 3 साल से अपनी तैयारी पढ़ाई इंग्लिश की करता आ रहा होगा. The next is I dash sleep for 3 hours at 10 p.m. 10 बजे तक मैं 3 घंटे तक सोता आ रहा होगा. So I will have been sleeping for 3 hours at 10 p.m. Right. So these were some exercises for your future perfect continuous tense. जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये टेंस आजकल इन दिनों हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं. कभी कभार बहुत कम, आई से नियरली 0.1% या शायद 1% आप कह सकते हैं कि कभी आप इसे इसका यूसेज देखें इन टर्म्स ऑफ योर एक्चुअल डे टू डे यूसेज. लेकिन क्योंकि ये टेंस है, हम लोगों ने सीखा है, सो मैंने आपको ये बताया. बट एक्चुअली आजकल इन दिनों इस टेंस का इस्तेमाल, विच इज़ योर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल, बहुत ही कम हो गया है. सो आई होप दिस टेंस इज क्लियर टू यू. बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेरीज, यू कैन गेट बैक टू अस ऑन आवर वेबसाइट. थैंक यू सो मच.